दोनों समोसा के कूट दिए सोशल मीडिया में सबके सामने, कल्की को फ्लॉप बोल रहा था, नाम याद रखना आमिर अंसारी, दोनों समोसा के कूट दिए सोशल मीडिया में सबका सामने, कल्की को फ्लॉप बता रहा था। हेलो डार्लिंग्स, इट्स शो टाइम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? इट इज एब्सोल्युटली कर्टन्स, CURTAINS, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, कोई फिल्म के लिए नहीं बल्कि समोसा क्रिटिक्स के लिए। तो कोलकाता समोसा क्रिटिक्स आर इन द हाइडिंग, शर्म के मारे उन्होंने अपना मुंह छुपा दिया है। तीन की जोड़ी कटोरी का चुचेजा कल ही हथियार हार चुका है एंड फिल्म की अब कल्की की तारीफ कर रहा है कि फिल्म कितनी बड़ी हिट है, 300 करोड़ कमाएगी। दूसरा समोसा आज सुबह सुबह हथियार डाला है एंड हिंदी फिल्म का कलेक्शन 200 करोड़ के ऊपर रिपोर्ट किया है। लेकिन द बिगेस्ट रैट, द बिगेस्ट रोडेंट, द बिगेस्ट समोसा जो कि गाइस इंडस्ट्री को अंदर से खोखला कर रहा है, जिसको विद्युत जम्वाल ने इतना ब्रूटली एक्सपोज किया था गाइस सोशल मीडिया पर, उसके बाद भी इंडस्ट्री वाले सुधरे नहीं, उसके बाद भी ये इंसान जो है शैतान के ट्रेलर लॉन्च के लिए फ्री टिकट, फ्री होटल स्टे, ये सब लेकर मुंबई आकर अजय देवगन के साथ फोटो खिंचाता है। क्यों? इंडस्ट्री वाले अंधे हैं, इंडस्ट्री वालों को नहीं दिखाई देता कि ये किस कैटेगरी में आता है। ये इंडस्ट्री के एजेंसीज है, ये इंडस्ट्री की मार्केटिंग टीम है जो कि इन जैसे सांपों को पाला हुआ है। और इनकी ऑडेसिटी देखो, जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी ये लोग क्या ट्वीट कर रहे थे। आज मेरे को देखना है कि जब ये फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है तब क्या ये लोग ट्वीट करते हैं या नहीं करते। ये नहीं करेंगे, इनका काम है बेसिकली फैन वॉर करना, एक स्टार के फैंस को खुश कर देंगे ये लोग एंड बाकी पूरा टाइम ये लोग लड़ाते रहेंगे। द रियल एनिमी ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आर नॉट द साउथ मीडिया बट द टू फेसेस इंडिविजुअल्स वी मीट एंड ग्रीट इन मुंबई। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आर दीज जोकर्स इन्वाइटेड टू मुंबई फॉर दिस PR एंड मार्केटिंग इवेंट्स? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ये लोगों ने इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म कल्कि 2098 बारे में जो जहर उगला है, इनके वजह से जो माहौल खराब हुआ है, एक अच्छी फिल्म जिसके गाइस मेरिट्स के बारे में बात होनी चाहिए थी, इन लोगों ने पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर गंदगी मचाई है, अननेसेसरीली गंदी। हाँ, अगर फिल्म नहीं कमा रही है, फिल्म धांधलीबाजी करे कमा रही है तब ये अगर बोले तो समझ में आता है, बट लेकिन दे हैव क्रिएटेड अननेसेसरी नॉनसेंस। इन लोग लिखते हैं, इट इज हाई टाइम इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज दिस स्नेक्स इन द ग्रास, यू आर द स्नेक्स इन द ग्रास। दीज क्रिटिक्स, सो कॉल्ड क्रिटिक्स फ्रॉम कोलकाता आर द रियल स्नेक्स ऑन द ग्रास। अभी भी इंडस्ट्री नहीं सुधरी, अभी भी इनको इवेंट्स पर बुलाना बंद नहीं किया, तो आने वाले समय में ये फिल्म के साथ हुआ है, यू आर द नेक्स्ट टारगेट, दे आर वेटिंग टू स्ट्राइक एट यू एंड दे विल स्ट्राइक एट यू। देखना है कैसे स्ट्राइक करते हैं, अपनी फिल्म के लिए इनको पैकेज मत देना, फिर आपको अपना असली रंग दिखाएंगे स्ट्राइक करके, दे विल स्ट्राइक यू वेरी हार्ड। तब ये एपिसोड याद रखना, तभी भी तुम्हारे दिमाग में अक्कल नहीं आएगी ना, यू हैव, तुमने ये सांपों को पाला इंडस्ट्री में। कल की 2898 एडी ने जो फिनोमिनल रन किया है, आज ये फिल्म डबल सेंचुरी हिट कर चुकी है। 11वें दिन पर इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में 22 करोड़ की कमाई की है एंड इसी के साथ इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाती है। पहले दिन जब इसके ओपनिंग डे कलेक्शंस आए थे, इसका और फाइटर का कोई लेना देना ही नहीं है, ये इसके बजट बहुत ज्यादा है उस फिल्म से, लेकिन उस फिल्म का नाम लेकर इन लोगों ने जानबूझकर दूसरे फैंस को एक्साइट करने की कोशिश की, उनसे नेगेटिविटी करने की कोशिश की, ये इनका काम है। आज मैं भी बैठकर यहाँ पे पूरा नेगेटिविटी कर सकता हूँ, किस तरह के फाइटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, किस तरह से ये फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मेरे इतने दिनों के एपिसोड में क्या तुमने देखा, मैंने ये फिल्म के साथ उसको कंपेयर किया, इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस स्टार को तोड़ दिया, इस स्टार को नीचा दिखा दिया, ये मेरा काम नहीं है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें बोलनी है कुछ फिल्मों को लेकर, लेकिन मैं ये सब नहीं करता हूँ। मेरा मकसद या किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ बिजनेस बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू ब्रूटली ट्रोल एनीबॉडी, लेकिन जो हरकतें इन लोगों ने की है गाइज ये पूरे के पूरे 12 दिनों में शर्मनाक है एंड हर एक जो फिल्म लवर है गाइज दे शुड बॉयकॉट देम। मेरे तुम लोग 100% कमेंट्स में से 80% कमेंट्स देखो, उसमें क्या लिखा है, लोग इनको पहचानते तक नहीं है जोकर लोग को, लेकिन एक दुनिया जो एक्स पे एग्जिस्ट करती है ना, दे लिटरली बिलीव दिस जोकर्स ओवर हियर, लिटरली बोल रहा हूँ, ये मोनोपोली टूटेगी। मेरा सपना है कि एक दिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है ये एक्स प्लेटफॉर्म से बड़ा बनेगा एंड हम क्रिएटर्स जो है
जो कि मेहनत कर करके वीडियोस बनाते हैं। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है गाइस, चार पांच अक्षर लिख देना बहुत आसान होता है, लेकिन कैमरा खोल के लिटरली 10-12 मिनट बैठकर बात करना यह आसान नहीं होता। इसलिए जितने भी क्रिएटर्स हैं, चाहे वो फेक न्यूज दे या फिर भंकस करे यूट्यूब पर बैठकर, उनके लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि दे वर्क हार्ड इन अपलोडिंग अ वीडियो। लेकिन ये एक्स पे जो लोग है गाइस, लिटरली लोगों ने शर्मसार कर दिया है ये पूरे के पूरे कल की 2890 AD के दौरान। लेकिन गाइस, इस फिल्म का डे नंबर 22.50 करोड़ था एंड इसने अपने 11th डे पर हिंदी वर्जन में 22 करोड़ की कमाई की है। ब्रेस योरसेल्फ्स, कल की 2898 AD बिकम्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द कैलेंडर ईयर 2024 इन हिंदी बाय बीटिंग द कलेक्शंस ऑफ फाइटर 212.50 करोड़। इस फिल्म ने 212.50 करोड़ की कमाई की है। इतना ही नहीं, प्रभास के करियर की इन द डब फिल्म सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाती है बाहुबली 2 के बाद। अभी आती है कल की 2898 AD। बाहुबली का रिकॉर्ड पार्ट 1, साहो, राधेश्याम, आदि पुरुष, सलार सबका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देती है। दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट। इसके आगे बस अभी RRR है, बाहुबली 2 है एंड KGF चैप्टर 2 है एंड दिस बिकम्स द ऑलमोस्ट 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग साउथ फिल्म डब्ड इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, जो कि अपने आप में उपलब्धि है। आज ये फिल्म कहीं ना कहीं वापस से 9 करोड़ कमाने की कोशिश करेगी, जो कि इसके टोटल को 221 करोड़ के पार पहुंचा देगा। तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसने इस फिल्म का साथ दिया। एंड गाइस, अभी यहां पर आर ऑलमोस्ट 12,000 टिकट्स बिक रही है। इतना ही नहीं, आज भी AMB सिनेमा जो है वो अच्छा खासा फुल जा रहा है। लेकिन ऑल सर एंड डन ये फिल्म जो है डंकी का 212.42 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ देती है। भारत का रिकॉर्ड प्रेम रतन धन पायो, गोलमाल अगेन, गुड न्यूज, हैप्पी न्यू ईयर, मिशन मंगल, थ्री इडियट्स, फाइटर सभी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ के एक नई उपलब्धि बनाई है। अगला इसका टारगेट होगा शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस 227 करोड़ रुपीज। उसके बाद इसका अगला टारगेट होगा किक 231 एंड सिम्बा 240, क्योंकि आने वाले समय में ये डेफिनेटली जो है वो बीट कर देगा। एंड गाइस, बात करो अब डे नंबर 12 की, जो कि इसका वर्किंग मंडे है। अभी से फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई जो है यहाँ पर कर ली है। बात करें तेलुगु 2D की, तो फिल्म हैज ओपन एट 17%, काफी इनकरेजिंग साइन है। हैदराबाद ओपन एट 20, विजयवाड़ा 10, वरंगल 28, गुंटूर जिला 33 एंड वाइजैक 20। मंडे के लिए ये ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है, सेकंड मंडे के लिए। बात करो 3D वर्जन की, 3D वर्जन मॉर्निंग शो ओपन एट 16, यहाँ पे हैदराबाद इज 12%, विजयवाड़ा इज 15, बात करो वाइजैक 34, निजामाबाद ऑलमोस्ट 60%। तो गाइस, तेलुगु वर्जन इज ओपन्ड अप गुड। इसको पता है 5 करोड़ नेट कमाना है, क्योंकि फ्राइडे 6 करोड़ था, आज 5 करोड़ भी कमाता है, काफी अच्छा होल्ड माना जाएगा। हिंदी 2D की बात करूं, मॉर्निंग इज ओपन्ड अप 10%। तो आज भी 12 दिन पर फिल्म जो है 10% के नीचे नहीं गिरी है। मुंबई 12% है, पुणे 11, हैदराबाद 10%, अहमदाबाद 9%, बाकी जयपुर 18। हिंदी में आज कैसे भी ये 8 से 9 करोड़ कमाई करते हुए दिखाई दे रही है। हिंदी 3D की बात करूं, 11% इन द मॉर्निंग शोज है, जहां पर पुणे इज 12, बैंगलोर 15, कोलकाता 12%, चेन्नई 11%। लेट्स सी गाइस, कल की 2898 किस तरह जाती है। फिलहाल मुंबई में तो बहुत बारिश हो रही है भाई, डेफिनेटली शोज को इफेक्ट होगा। लेकिन ऑल सर एंड डन कल की 2898 AD इज अ सुपर हिट इन ऑल द वर्जन इन्वॉल्व, अ प्रॉफिट मेकिंग वेंचर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व इन दिस फिल्म। ये फिल्म के अभी बस सभी लोग इंतजार कर रहे हैं किस तरह से 11 दिन का वर्ल्ड वाइड पोस्टर जब आएगा, मैं वापस से आपको मिलूंगा। हिंदी वर्जन में मैंने आपको बता दिया है किस तरह से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है। अनिल थडानी को ऑलमोस्ट 100 करोड़ का फायदा होने वाला है इस फिल्म में ऑन द पेपर, क्योंकि जितनी भी फिल्म बिकी है उससे डबल का पैसा अनिल थडानी, जो कि AF फिल्म्स के मालिक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर थे कल की के नॉर्थ मार्केट्स में, वो उन्होंने बनाया है। इट्स अ मनी स्पिनर फॉर द हिंदी वर्जन। डेफिनेटली रुकेगी नहीं, डेफिनेटली 300 करोड़ के कगार पर जा रही है। एंड कल की 2 का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कल की 2 डेफिनेटली हिंदी मार्केट्स में 500 करोड़ का नेट कमाने की क्षमता रखती है। ओके गाइस, जितना भी तमाशा हुआ 12 दिन में इसको पीछे रखते हैं, क्योंकि आज से समोसा जो है मुंह अपना दिखाने वाले नहीं है। आने वाले समय में आपको ये ध्यान देना होगा कि किन लोगों के साथ रहना है और किन लोगों के साथ नहीं रहना है। जो चीज़ें हो रही है वो आपको बताई जाएगी, जो नहीं होगी वो नहीं बताई जाएगी। एज ऑलवेज से स्टे कूल।